रिकवरी होने वाला भाई, वो जो नया एनिवर्सरी मोड आया भाई उसके ऊपर होने वाला है भाई, पूरे के पूरे 5 ट्रिक भाई एनिवर्सरी मोड के ऊपर होंगे भाई। कुछ इसमें से ट्रिक होंगे, कुछ ग्लिच होंगे जिनका यूज़ करके भाई आप अपने गेम प्ले में बहुत ज़्यादा इंप्रूव ला सकते हो। ऐसे ऐसे सीक्रेट लोकेशन पे जा सकते हो भाई, अगर आप कॉन्करर के लिए पुश कर रहे हो तो भाई सबसे बेस्ट लोकेशन है। तो भाई मैं अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। रॉकेट के ऊपर आके भाई यहाँ से आपको स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना, और भाई जैसा मैं अपना जॉयस्टिक कर रहा हूँ आप लोग को एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना, और एकदम एकदम सीक्रेट लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा इस वाले ट्रिक को यूज करके। आप लोगों को एकदम ऐसे ही जॉयस्टिक अपना करना है भाई, आप थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हो क्योंकि भाई ये बहुत टाइम लेते हैं भाई नीचे उतरने के लिए, और सीधा आप इसको आप लोगों को इस वाले लोकेशन पे आ देना। अभी आपको अपना जॉयस्टिक छोड़ देना और आप सीधा भाई यहाँ पे 3 पे लैंड करोगे या फिर आप कहीं भी लैंड करोगे, आप लोगों को एकदम सीक्रेट सेफली बस इस वाले लोकेशन पे आ देना है। अभी आप लोगों को यहाँ से नीचे थोड़ा सा छोटा सा जंप करना है, अभी आप देख सकते हो भाई आप सीधा इस वाले लोकेशन पे आ जाएंगे। अब भाई अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो तो भाई आप लोगों को कोई मार नहीं सकता, आप लोगों को पता है भाई यहाँ एनिवर्सरी पे भाई बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप है भाई, जब भी कोई भी नया मोड आता है भाई यहाँ पे बंदे भर भर के उतर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भाई आप यही कर सकते हो अभी यहाँ पे बैठ के, और जो इस वाले मोड की जो फर्स्ट वाली एबिलिटी है भाई आप लोगों को वहाँ ऊपर से यहाँ पे नीचे थ्रो कर देना है, और अब भाई एकदम अपने एनिमीज की एकदम ईजिली लोकेशन भी ट्रैक कर पाओगे और उनको यहाँ से एकदम सरप्राइज अटैक भी दे पाओगे, और अब अपने आपके एनिमीज भी सोचेंगे भाई ये बंदा कहाँ पे चढ़ गया। तो भाई मेरा टीममेट देख रहा था मेरे को भाई मैं यहाँ पे कैसे आया, तो मैं आप अपने टीममेट को भी बता सकते हो। और नीचे होता ना भाई आप लोगों को सीधा यहाँ से जंप करना है, लेकिन भाई अब यहाँ से थोड़ा छोटा सा डैमेज ले लोगे तो भाई उतना तो चलता है। अब भाई मैं आपको दिखा देता हूँ भाई नीचे से कैसा दिखेगा, भाई आप लोगों को कोई स्पॉट भी नहीं कर पाएगा किसी भी कीमत से, और आप देख ही सकते हो भाई यहाँ से ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कम व्यू मिल रहा है और ऊपर से आप लोगों को उतना ज़्यादा व्यू मिल रहा था। तो भाई अभी बिना एक भी मिनट वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए भाई आप लोगों को वापस इस वाले लॉन्चर के पास आ जाना है। अब जैसे आप पहले टाइम भाई लॉन्चर को करके आप हाईवे में गए थे वैसे ही आप लोगों को वापस कर देना है, और भाई इस टाइम आता है आप लोगों को जॉयस्टिक एकदम परफेक्टली करना है, और आप लोगों को एकदम मतलब पीछे के साइड आ जाना है, और आप लोगों को ये ट्राई करना भाई अपने जॉयस्टिक को एकदम धीरे धीरे जो रॉकेट के टॉप पे भाई वहाँ पे एकदम धीरे धीरे करना है लेके जाना, और सामने जो एक छोटा सा स्पेस देकर आप दूसरे वाले लोकेशन पे एकदम ईजिली जा सकते हो। बस इस तरीके से मैं कर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ही करना है, और भाई आप सीधा एंड पे आके आपको उधर की तरफ स्प्रिंट कर देना है और अपना जॉयस्टिक छोड़ देना, आप सीधा इस वाले लोकेशन पे आ जाओगे। अब भाई यहाँ पे बैठ के अगर आप लोगों के ऊपर M416 पे आ गई मतलब स्नाइपर पे भाई एटेक्स से या फिर कोई भी स्कोप है तो आप यहाँ से एकदम दूर दूर का एरिया कवर कर सकते हो, और आपके एनिमीज भी सोचेंगे भाई ये बंदा इतने हाइट पे कैसे चलेगा, और जो अपना मेटल डिटेक्टर है भाई इसको यूज़ करके आप बहुत दूर दूर का मतलब दूर का नहीं भाई अपने नीचे जितने भी बंदे आप उनका मतलब लोकेशन डिटेक्ट कर पाओगे इतने मिजरी, और यहाँ से भाई आपको कैसे एकदम मतलब इतना अच्छे से एम मिल रहा है। और भाई अगर हम लोग को यहाँ से नीचे उतरना आप लोगों को लगे भाई यहाँ से कूदेंगे भाई सीधे नॉकआउट हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं, जिस तरीके से मैं कर आप लोगों को सेम टू सेम इस तरीके से करना है, आप बिना एक भी डैमेज किए आप यहाँ से एकदम नीचे जा सकते हो। बस आप लोगों को इस वाले लाइन के पास आके भाई यहाँ पे थोड़ा वो जो होल में उनके अंदर जाना है, अभी भाई यहाँ से बस 1 HP का ही आपको डैमेज पड़ेगा, और कहीं ये ट्रिक को यूज़ करके आप एकदम इजीली यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो भाई बिना एक भी मिनट वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए भाई आप लोगों को एक बगी की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं आप लोगों को अपना बगी को लेके भाई आ जाना है मतलब मिलिट्री बेस या फिर नोवो के ब्रिज के नीचे, भाई जिस ब्रिज पे आपको ये ट्रिक करना है आपको उस ब्रिज पे आ जाना है, और आप लोगों को बस अपनी बगी को ऐसे सिंपली एकदम इस तरीके से आपको पीछे की तरफ करना है, और भाई आपकी बगी मतलब एकदम फिजिक विजिक छोड़ के एकदम ऐसे आ जाएगी एकदम पीछे की तरफ पार्ट पे, और फिर आप लोग मतलब आप देख सकते हो जैसे ही आप सीट चेंज करूँगा आप देख सकते हो भाई यहाँ से अंदर की तरफ बॉट आता है, मैं बॉट को पहले मार देता हूँ। अभी भाई आप देख सकते हो भाई मैं एकदम ऊपर की तरफ एकदम इजिली व्यू ले सकता हूँ, और भाई लेकिन यहाँ पर रहने का एक ये डिसएडवांटेज है कि आप भाई बाहर की तरफ फायर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भाई आप यहाँ से नेट जरूर कर सकते हो, और भाई अगर आप मतलब आप अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पे ब्रिज काम करो तो आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो, या फिर आप किसी भी टीममेट को नीचे बैठा सकते हो और बोल देने का भाई आप जो भी अगर सामने से गाड़ी आई तो बता दे, और आप फिर भाई एकदम पीछे से एकदम ईजिली मतलब उन लोगों को एकदम नॉक डाउन कर सकते हो। तो भाई अगर आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी भाई कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। तो भाई अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो भाई ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए भाई आपको वापस एनिवर्सरी वाले लॉन्चर के पास आना है, और भाई जैसे आप लोगों ने हम पहले 2 ट्रिक में किया था आप लोगों को फिर से वैसे ही करना है। और भाई अगर आप लोगों की ये ट्रिक को करके भाई आप लोगों को नियरेस्ट में भाई जो भी वाटर सोर्स है आप लोगों को उस वाटर सोर्स के पास जाने का ट्राई करना है, सीधा उस वाटर सोर्स के पास जाने का है, और आप उसके अंदर मतलब पानी के अंदर जा सकते हो, और फिर भाई आप इस ट्रिक को यूज़ करके मतलब ये फ़ायदा है कि भाई आप इस वाले ट्रिक को यूज़ करके मतलब आप पानी के अंदर भी आप हेल्थ मार सकते हो एकदम ईजिली, और भाई बंदे मतलब बंदे लोग मतलब काफ़ी
कभी कभी क्या होता है भाई लास्ट सर्कल पानी में बंद रहते हैं और भाई फिर मतलब पानी में बंदे लोग हेल्थ नहीं मार पाते ना भाई, मतलब इस वाले ट्रिक को करके भाई अभी मतलब पानी के अंदर भी हेल्थ मार रहे तो देख रहे हो भाई मैं पानी के अंदर एनर्जी ड्रिंक मार पा रहा हूँ तो मेरी और भाई मेरी हेल्थ भी बढ़ती है। और मतलब यहाँ पे मैं गन भी निकाल सकते लेकिन भाई यहाँ पे गन निकालोगे लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ फायर नहीं कर सकते। और भाई अगर आप लोगों को ये पानी वाली ट्रिक कैसी लगी भाई ये भी मेरे को कमेंट करके बताना मत भूलना। तो गाइस अभी बिना एक भी मिनट वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 5 की तरफ जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट ट्रिक होने वाला है। तो गाइस जो हमारा ट्रिक नंबर 5 है भाई उसमें आपको जो ये मेटल डिटेक्टर देख रहा हूँ तो भाई बहुत सारे बंदे क्या करते हैं मेटल डिटेक्टर लगा के भाई आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। तो आप मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपकी लोकेशन अगर एक बार ट्रैक होगी तो आप लोग मतलब इस वाले मेटल डिटेक्टर को एकदम ईजिली फोड़ सकते भाई दो या तीन गोली में। तो भाई आप देख सकते हो मैंने जैसे ही 2 या 3 गोली में मारा भाई मैं एकदम ईजिली फोड़ दिया इस वाले मेटल डिटेक्टर को। भाई ये मेटल डिटेक्टर को तोड़ने से फ़ायदा क्या होगा भाई, मैं अगर आप लोगों को कोई एनिमी मतलब ये डायर सा लगा रहा है तो आप मतलब उसको तोड़ देना भाई, नहीं तो भाई वो बंदा आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना।